वेलकम स्टूडेंट्स, हम जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स में पहला चैप्टर कर रहे थे उसमें हमने जैकोबियन डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमारे पास है फंक्शनल डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है, देखो कहते हैं कि मान लो द एम फंक्शंस U1, U2, U3 अप टू UM ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल X1, X2 अप टू XN आर सेड टू बी functionally dependent if there exists a relation of the form u1 u2 U3 अप टू UM मीन्स अगर हमारे पास M फंक्शंस हैं, N इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, हम इन फंक्शंस को बोलेंगे कि ये फंक्शंस हमारे क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। कब? अगर इनके इन फंक्शंस में आपस में कोई ना कोई क्या करता है, रिलेशन एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शंस हमारे पास क्या हैं, डिपेंडेंट हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ये फंक्शंस क्या हैं, आपस में रिलेटेड हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि अगर यू हमारे पास एक्स है और वी हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब, तो आप वी को लिख सकते हो ना, देखो यू की पावर 3, तो v माइनस यू क्यूब इज इक्वल टू 0 मीन्स फंक्शन यू वी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये फंक्शन हमारे क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर? क्योंकि हमने v और u को आपस में रिलेटेड कर दिया ना, देखो तो ये दोनों फंक्शंस आपस में रिलेटेड हैं, तो मीन्स फंक्शनली क्या है, डिपेंडेंट है। इसके बाद है आपके पास रिजल्ट है, कहते कि अगर आपके पास n फंक्शंस हैं u1, u2, u3 अप टू un ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जितने हमारे पास फंक्शंस हैं उतने ही हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में आप कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शंस हमारे डिपेंडेंट हैं या नहीं? आपको जैकोबियन फाइंड करना होगा, सभी फंक्शंस का आप जैकोबियन फाइंड करो विद रिस्पेक्ट टू X1, X2 अप टू XN। अगर ये जैकोबियन हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, तो इट मीन्स हमारे पास फंक्शंस क्या है, हमारे डिपेंडेंट है। मीन्स अगर देखो जितने फंक्शंस उतने ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो आप डायरेक्ट उनका जैकोबियन फाइंड करो, अगर वो 0 आ जाता है तो फिर हमारे पास फंक्शंस क्या है, डिपेंडेंट। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ये, कि अगर हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, जैकोबियन 0। अगर जैकोबियन 0 है तो वो क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट। ये कब होगा? अगर नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल है। क्लियर? इट मीन्स जितने हमारे पास फंक्शंस हैं अगर उतने ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो डायरेक्ट आप उसका जैकोबियन फाइंड करो। अगर जैकोबियन हमारे पास 0 आ जाता है, इट मीन्स हमारे पास फंक्शनली क्या है, वो डिपेंडेंट है। और इसके बाद देखो कुछ एक मतलब इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देखो कहता है इफ़ देयर आर एम फंक्शंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एम इज ग्रेटर देन एन, मीन्स नंबर ऑफ फंक्शन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? तो इस केस में आपके पास क्या होगा, जैसे तो इस केस में जनरली फंक्शनली क्या होंगे, हमारे पास डिपेंडेंट होंगे। कैसे? देखो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास मान लो कि तीन फंक्शन हैं यू वी एंड डब्ल्यू. यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, वी इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डब्ल्यू इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई. तो हमारे पास तीन फंक्शन है और हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, टू. तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. इस केस में फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे, क्यों? क्योंकि कहते हैं देखो, ऑन सॉल्विंग दिस टू कंडीशंस हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. किसकी टर्म्स में? यू और वी की टर्म्स में. उसको हम किस में यूज़ कर लेंगे? डब्ल्यू वाले में यूज़ कर लेंगे. तो हमारे पास डब्ल्यू किस में एक्सप्रेस हो जाएगा? यू और वी की टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट. देखो, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी बाय सॉल्विंग एनी टू रिलेशन एंड यूजिंग दिस वैल्यू इन थर्ड कंडीशन. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो फंक्शन है वो पहले दो के रिलेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा. तो मीन्स हमारे पास फंक्शनली क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे. इसमें एक और कंडीशन है हमारे पास, कहता है कि अगर आपके पास, अभी तक तो क्या था कि नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास ज़्यादा थे और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या थे, कम थे. अगर अब हमारे पास उल्टा हो कि नंबर ऑफ फंक्शंस लेस हो किस से, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से. ठीक है, इफ नंबर ऑफ फंक्शंस लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो इस केस में आप क्या करोगे, मान लो कि आपके पास दो फंक्शन है यू वी और वेरिएबल्स कितने हैं, तीन, एफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड. तो इस केस में आपको क्या करना है, कहते कि ये जो फंक्शंस हैं यू एंड वी आर फंक्शनली डिपेंडेंट. इफ़ जैकोबियन फाइंड करो आप यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, विद रिस्पेक्ट टू देखो, आपने जैकोबियन फाइंड करना है फिर यू वी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, जैकोबियन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और जैकोबियन फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स. अगर ये हमारे पास तीनों किसके इक्वल आ जाते हैं, जीरो के इक्वल आ जाते हैं, इट मीन्स हमारे फंक्शंस क्या है, डिपेंडेंट हैं. क्लियर है? इट इम्प्लाइज फंक्शंस आर डिपेंडेंट और यू कैन से रिलेटेड. ठीक है, मीन्स उनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा. अब इसके बाद देखो, अगर हमारे पास कहते हैं कि दीज फंक्शंस आर नॉट डिपेंडेंट इफ एट लीस्ट वन ऑफ दीज जैकोबियन इज नॉट इक्वल, जो हमने तीन जैकोबियन ये फाइंड किए, इनमें से कम एक हमारा जीरो की इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो. कहते देखो, अगर इसमें अब तीन कंडीशंस आपने रीड की, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इक्वल हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे, तो इट मींस उस केस में क्या होगा कि हमारे फंक्शंस का आप सिर्फ जैकोबियन फाइंड करो
अगर वो जैकोबियन जीरो के इक्वल आ जाता है, इट मीन्स फंक्शनली डिपेंडेंट है। अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस क्या हैं, आपके पास नंबर ऑफ फंक्शन ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम हैं, इस केस में आपने क्या करना है, जनरली वो फंक्शनली डिपेंडेंट ही होंगे, क्योंकि आप उनमें से किसी दो फंक्शंस की आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई की वैल्यू आप यू वी के टर्म्स में निकालो, थर्ड में यूज़ कर लो, तो मीन्स वो क्या होंगे, फंक्शनली डिपेंडेंट होंगे जनरली, उनमें इसका मतलब कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ़ फंक्शंस कम हैं और नंबर ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा हैं, तो आप सारे जैकोबियन फाइंड करोगे। अगर वो जैकोबियन सारे के सारे इक्वल टू ज़ीरो आ जाते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास वो फंक्शंस क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। और अगर मान लो उसमें से कम एक जैकोबियन हमारा ज़ीरो आ जाता है, तो इट मीन्स वो डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? जैसे इसका एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें कहते हैं कि इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई एंड वी इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो अब आप देखो, चेक करना है आपने कि क्या ये फंक्शंस हमारे रिलेटेड हैं, और सेकंड आपने इफ़ येस देन फाइंड द रिलेशन। ठीक है, इनमें रिलेशन क्या होगा, अब आप सॉल्व करो। अब मतलब देखो, पहले तो यहाँ फंक्शंस कितने हैं, टू, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कितने हैं, तो टू। तो नंबर ऑफ फंक्शंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इट मीन्स आपको डायरेक्ट क्या फाइंड करना है, जैकोबियन। तो जैकोबियन क्या होगा, देखो, जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई किसके इक्वल होगा, करली यू बाय करली एक्स, करली यू बाय करली वाई, करली वी बाय करली एक्स, करली वी बाय करली वाई। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज़ आप फाइंड करो, पहले डेरिवेटिव। अगर ये जैकोबियन हमारा ज़ीरो के इक्वल आ गया, इट मीन्स हमारे फंक्शंस क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। देखो, तो आप फाइंड करो जैकोबियन, डेरिवेटिव करोगे आप फर्स्टली यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो करो डेरिवेटिव, हमारे पास क्या है फंक्शन, तो ये एक्स प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई, तो वन माइनस एक्स वाई का स्क्वायर वन माइनस एक्स वाई, और एक्स का क्या हो जाएगा वन और वाई का ज़ीरो, माइनस एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो क्या आएगा माइनस वाई, तो क्या बनेगा रिजल्ट, वन माइनस एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, तो ये आपके पास टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो वन प्लस वाई स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर। क्लियर है? सिमिलरली अब जब आप कर ली यू बाय कर ली वाई फाइंड करोगे, तो जहाँ वाई आया वहाँ एक्स आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, ये दोनों वैल्यूज आ गई। फिर आपको फाइंड करना है करली वी बाय करली एक्स, तो वी क्या था हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो आप इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वन बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो जो हमारा जैकोबियन वाली इक्वेशन थी, इसको हम इक्वेशन नंबर वन बोल देते हैं, इसमें यूज़ कर लो यूजिंग दीज वैल्यूज इन वन। ठीक है, तो हमारे पास जैकोबियन क्या आएगा, देखो पहली वैल्यू हमारे पास कर ली यू बाय कर ली एक्स की क्या आई थी, वन प्लस वाई स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, और कर ली यू बाय कर ली वाई क्या आया था, वन प्लस एक्स स्क्वेयर बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, और ये वैल्यू कर ली वी बाय कर ली एक्स, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ वन बाय वन प्लस वाई स्क्वेयर। तो आप इसको सॉल्व करो, यहाँ इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो ये माइनस, तो करो वन प्लस वाई स्क्वेयर से वन प्लस वाई स्क्वेयर कैंसिल, वन बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर माइनस, ये इससे कट जाएगा, वन बाय वन माइनस एक्स वाई का स्क्वेयर, तो रिजल्ट क्या आया ज़ीरो। तो मीन्स हेयर जैकोबियन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इट मीन्स दीज फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट और रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपको इनका रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो आपके पास क्या आ गई, मैंने u इज x प्लस वाई बाय वन माइनस एक्स वाई एंड v इज टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो जब ये फंक्शनली रिलेटेड है, मीन्स इनमें रिलेशन है,
देखो कि क्या रिलेशन है। देखो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी बाय वन माइनस ए बी। ठीक है, तो अब आप देखो जो ये वैल्यू किसकी थी हमारे पास, यू की थी, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे टेन इनवर्स यू। तो मींस वी को हमने किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इट मींस फंक्शंस हमारे क्या हैं, डिपेंडेंट। क्लियर है? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस में चेक करना है कि अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस, तो इट मीन्स आप डायरेक्ट जैकोबियन फाइंड करो और देखो कि क्या वो जैकोबियन जीरो आ रहा है। अगर जैकोबियन जीरो है, इट मीन्स दीज फंक्शंस आर फंक्शनली डिपेंडेंट। इसके बाद अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, ज़्यादा है, और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम है, तो आपने क्या करना है, वो फंक्शनली डिपेंडेंट ही होंगे। उनमें डायरेक्ट आपको रिलेशन चेक करना है कि रिलेशन क्या है। थर्ड है, अगर आपके पास नंबर ऑफ फंक्शंस आर लेस देन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो इस केस में आपको डिफरेंट डिफरेंट जैकोबियंस फाइंड करनी है। अगर वो सारे के सारे इक्वल टू जीरो आ जाते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट है। और अगर उनमें कम से कम एक ऐसा आ जाता है जो नॉट इक्वल टू जीरो है, इट मीन्स वो हमारे पास फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर है? ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना।